हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? अच्छे हो? मस्त हो? पढ़ाई कर रहे होंगे? ठीक है, तो चलो ठीक है। हम पिछले वीडियो में तुमको बताए थे भाग कैसे करते हैं भिन्नों का, उसमें एक्सरसाइज 2.4 को भी हमने देखा था, उसमें कुछ क्वेश्चन किए भी थे, तो हमें आशा है कि तुम इतना समझ गए होगे। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, अगर हम एक भिन्न इसमें ही कुछ ये सवाल देखेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रश्नावली नहीं पढ़ाएंगे, 2.4 ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें हमने जो भी सवाल छोड़ा था उसको आज फिर से देखेंगे। तो चलो हम कुछ ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे अपने सवाल पे चलते हैं ताकि तुम भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, ये जो तीसरा है ना, तीसरा, ठीक है बाबू, ये जो तीसरा तुम्हारा सवाल है, इसमें हम तीसरे का तुम बार बार कहते हो कि हम पहला ही बताते, चलो ठीक है, हम पहला नहीं बताते हैं, हम बताते हैं तुमको कौन बताए, चलो तुम ही बताओ कौन बताए, चलो ठीक है, हम बता देते हैं तुमको, छठवां बता देते इस बार, ठीक है, तीसरे का छठवां बता देते हैं, तीसरे का क्या छठवां, क्योंकि तुम्हें ये नहीं लगे ना कि सर पहला ही बताकर चले जाते हैं, बाकी हम लोग को लगाना पड़ता है, चलो हम छठवां बता देते हैं, बाकी तुम लोग लगाना, लगा तो तुम लोगों को पड़ेगा ही, हम तो टोटल लगा सकते नहीं, ठीक है, हम तो बस तुमको सिखा सकते हैं। देखो एक्चुअली गुरु का मतलब ही होता है सिखाना, ठीक है, जो गुरु होता है सिर्फ सिखा सकता है, तुम्हारे पथ को बता सकता है, तुम इस रास्ते पे चलोगे, ये रास्ता तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है, तुम इसको ऐसे करोगे तो तुम्हारा आसान होगा, तुम इस मतलब तुमको एक तरह से कहना कि तुमको क्या करे, बस रास्ता मार्ग दिखा दे, ठीक है, क्या करे, गुरु का काम बस इतना होता है कि तुम्हें मार्ग पे चलना सिखा दे, ठीक है, मार्ग पर चलना सिखा दे, बाकी तुमको तो अपने खुद दूरी तय करना होता है, पैदल पैदल तुम कैसे भी चलो वो तुम्हारे पे डिपेंड है, लेकिन चलना तो तुम्ही को पड़ेगा, गुरु तुम्हारे पीछे थोड़ी जाएगा, ठीक है, बस वो काम ही करेगा कि तुमको बता देगा कि हाँ ऐसे जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हम भी यही कहते हैं, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बढ़िया आदमी बन जाओगे, नहीं तो खेती बाड़ी में काम करने लगोगे, ठीक है, तो पढ़ो, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे मेहनत आज करो और चाहे कल करो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस है दोनों मेहनत में, हम किसी दिन बताएंगे कि दोनों मेहनत में क्या डिफरेंस है। अरे ऐसे समझो कि अगर आज मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारा लाइफ क्या होगा, बदल जाएगा, यानी तुम जिंदगी भर ऐश करोगे, अगर आज तुम मेहनत नहीं करोगे, आज सिर्फ घूमने में लगा दोगे अपनी सारी एनर्जी को, तो तुम फिर सोचना फिर कैसे देखते होगे ना, मजदूर लोग मजदूरी कैसे करते हैं, वैसे ही रास्ते पे जाकर कुदाल चलाओगे, है ना, वैसे ही जाकर के किसी फैक्ट्री में बोझा ढोओगे, तो काम तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब सोचो आज अगर तुम 25 साल के अंदर तक मेहनत कर लिए, आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, तो जब अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, किसी अच्छे खासे नौकरी करने लगोगे, तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, तो फिर तो तुम्हारे लिए मौज ही मौज है ना, चाहे 10 घंटा सो और चाहे 12 घंटा सो, मौज तो करोगे ना, चाहे टीवी देखो और चाहे घूमो, सब तुम्हारे पे तो डिपेंड है ना, लेकिन करना तो तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, या तो आज करो या तो कल करो, लेकिन अगर आज मेहनत करते तो आज तुमको कोई अच्छा, देखो बोझा तो नहीं ढूंढने के कहा जाएगा ना, तुमको कोई क्या घर खेत में जाकर के कुदाल चला करने नहीं कहा जाएगा, अरे तुम्हें आराम से चाहे बिस्तर में बैठ के पढ़ो चाहे बिस्तर से बाहर आके पढ़ो, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही कहा जा रहा है, तो पढ़ने में क्या होता है, पढ़ो मन से पढ़ो, हाँ नींद आती है तो कोई बात नहीं, नींद भी लिया करो, लेकिन फालतू का घुमा मत करो ना, चलो कोई बात नहीं, कर चलता है इतना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बस यही बात है। तो हम तुमको बताते हैं तीसरे का छठा नंबर सवाल, कौन सवाल, तीसरे का छठा नंबर सवाल, जो तीसरे का छठा नंबर सवाल है ना वो क्या है, इसको समझो, जो तीसरे का छठा नंबर सवाल है वो है चार सहित 3/2, क्या है बाबू, चार सहित 3/7 है, ठीक है, और ये भागा जो है, भाग किसके करना है, तुम्हें 7 से भाग करना है कि नहीं, भाग तुमसे करना है, 7 का भाग करना है। अब तुम कहोगे कि ये तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, क्योंकि तुमने पढ़ लिया है कि आसान होगा, चलो फिर भी आसान है तो फिर भी हम कर देते हैं, क्यों कर तो सकते हैं ना। अब देखो, अब तुम कहोगे कि पहले इसको हम सरल भिन्न भी बदल लेंगे, तो हम कहेंगे कैसे बदलोगे, तो तुम कहोगे 7 चौका 28 और 3 जोड़ देंगे, तो 28 3 21/7 होगा,
और तुम कहोगे अरे भाग है ना तो इसको गुणा बदल लेते हैं आसान हो जाएगा तो बदल लो, तो तुम कहोगे इसको उल्टा करना पड़ जाएगा, तो हमने कहा कर लो, तो कर ली कि नहीं कर ली। तो बताओ अब कहोगे कि अरे तो बहुत सिंपल है, अब इसका अंश का अंश में कर लेंगे और हर का हर में कर लेंगे। हाँ तो बिल्कुल सही कर रहे हो, तो अंश का अंश में 31 से करना 31 रहेगा और हर का हर में रहेगा 7। देखो 7 का जब 7 में करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 7 7 क्या 49, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, कोई दिक्कत तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, आसान समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं चौथे का, किसका चौथे का कर लो। जब चौथे का करोगे तो इसमें तुम्हारे पास है पहला सवाल, हम इसको देते हैं चौथे का पहला, तो पहला सवाल क्या हो जाएगा, पहला सवाल हो जाएगा 2/5 और भाग करना तुमको 1/2 से, है ना, 2/5 को भाग करना है 1/2 से। अब कैसे भाग करोगे, देखो 2/5 है ना, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिखो, 2/5 को ऐसे लिख दो, और जो भाग तुमको दिख रहा है ना भाग, अब तुम कहोगे अरे भाग है तो इसको हम गुणे में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2/1 कर लेंगे, है कि नहीं, 2/1 कर लेंगे, कोई दिक्कत, अरे गुणा हो गया ना, अब तुम कहोगे हम इसका तो कर लेंगे, तो हमने कहा ठीक है कर लो। तो बताओ 2 × 2 = 4 हो गया, हाँ बात सही है, 2 × 2 = 2 × 4 = 5 × 5, अरे ठीक है भाई आंसर तो आ गया 4/5, क्या कोई दिक्कत हुआ, अरे कोई परेशानी हुआ नहीं, हुआ होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही झक्कास सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो अब कहोगे कि एक सवाल और बता दूं, तो ठीक है चलो तुम्हारा भी बात मान लेते हैं, एक सवाल और बता लेते हैं, चलो बता देते हैं तुमको चौथे का, चौथे का तुमको बताते हैं 7वां सवाल, ठीक है, चौथे का 7वां सवाल, ठीक है, चौथे का 7वां सवाल तुमको हम क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है, चौथे का जो 7वां सवाल होगा वो क्या होगा, चौथे का ये 7वां सवाल लो, है ना। चलो अब इसको बताओ, बताओ है क्या 3 सही 1/5 है, कितना है 3 सही 1/5 है, तुमको भाग कर देना है किससे, 1 सही 2/3 से भाग करना है, तो बताओ 1 सही 2/3 से भाग करना है तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है दिखने में, अरे लग रहा होगा लेकिन है तो नहीं ना, अभी कहोगे क्या रे तुमको आता है, अब 5 क्या करोगे, 15 × 16 यानी 16/ कितना कर लोगे 5, अरे हो सकता है, देखो कभी भी ऐसा होता है ना, बोलते कुछ और लिख कुछ और देते हैं, तो उतना हो सके तो सुधार लेना, ठीक है, जैसे क्या होता है ना कभी आवाज कुछ और निकल जाता है और लिखा कुछ और जाता है, ऐसी गलती हम लोगों से होता रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन हर चीज है तो कैलकुलेशन हल्के फुल्के गलती होता रहता है, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है, उसको मैनेज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अब देखो ये भाग है तो इसको अभी ऐसे रखने दो, अब देखो 3 × 3 = 3, 3 × 2 कितना हो गया 5 हो गया, चलो 5/3 हो गया, अब कहोगे कि कुछ नहीं करना, 16/5 है इसको गुणा कर लीजिए, इसको 3/5 कर लीजिए, अब तो बहुत स्मार्ट हो गए होगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं तुमको हो रहा होगा, बहुत ही आसान से कर लेते होगे, तो चलो कोई बात नहीं। अब ये क्या हो गया तुम्हारा 16 × 3 में करेंगे तो 16 × 3 = 48 हो गया, बताओ 16 × 3 क्या हो गया 48 हो गया, और ये देखो 5 का जब 5 में करेंगे तो 5/5 कितना हो गया 25 हो गया, और 16 × 3 = 48/25 क्या तुम्हारा ये आंसर नहीं है, हाँ ये बिल्कुल तुम्हारा आंसर है, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना, तो इस तरह से बहुत ही आसान से कर सकते हो। तो इस तुम्हारा जो क्या था 2 पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा 2.4 क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा 2.4 था वो समाप्त हो गया, तुम उसको अच्छी तरह से कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो तो रहने दो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बहुत ही जल्द अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।